हेलो वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो मैं आज आपके सामने वीडियो जो लेकर आया हूँ ना, वो इंग्लिश का, ट्वेल्थ का या आपका हाई स्कूल का भी लेवल ले सकते हैं, हाई स्कूल में भी, फिर भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेल्थ के लिए। ट्वेल्थ के लिए आपका जो ऐसे यानी जो आर्टिकल राइटिंग आता है, तो आर्टिकल राइटिंग यानी ऐसे में जो लिखने को आएगा आपको अच्छे मार्क में या मिलेगा आपको, इसको जरूर याद करना है, इसको लिखना भी है, आप कुछ भी मत करिए, इसको जरूर लिख देना है। तो कौन कौन सा ऐसे राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग आपको मिलेगा, यही हम इंपॉर्टेंट ऐसे लेकर आए हैं जो आपके सामने बोर्ड पर अभी हम दिखाएंगे और समझाएंगे कौन कौन सा इसमें भी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें से सबसे अधिक कौन इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से अधिक इंपॉर्टेंट ऐसे बन रहे हैं उसको हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम लिखे हैं, ठीक है, मैं चलता हूँ स्टार्ट करूँ। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस एचडी चैनल। देखिए यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस लिया है, पहला मैंने लिया है कौन सा, देखिए माय फेवरेट बुक। अब देखिए फेवरेट का मतलब माय फेवरेट बुक हो सकती है, माय फेवरेट गेम हो सकता है, माय फेवरेट फ्रेंड्स हो सकता है, माय फेवरेट, तो माय फेवरेट से रिलेटेड एक आपको याद करना है जिसमें से इंपॉर्टेंट माय फेवरेट बुक मैंने लिया है। तो माय फेवरेट अगर एक, तो अगर आप कोई माय फेवरेट पे बना लेते हैं, चाहे जो भी आप निबंध हो, चाहे आपका उस पर माय फेवरेट फ्रेंड्स हो, माय फेवरेट पेन हो, माय फेवरेट्स कुछ भी, माय फेवरेट यहाँ पर माय फेवरेट बुक है, तो माय फेवरेट प्लेस हो, माय फेवरेट कुछ भी हो, उस माय फेवरेट पे अगर आप बना लेते हैं एक निबंध, तो उस सेम वही कुछ जो यहाँ पर बुक है उसी जगह पर चेंज होगा, तो उसी जगह पर चेंज होगा और उसके यूजेज वगैरह सारी चेंज होंगी। और इसमें सभी में जो हेडिंग यूज होगी ना, हेडिंग अभी मैं यहाँ बताऊँगा, तो उससे पहले आप देख लीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तब मैं बताता हूँ। दूसरा आपका है माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट टीचर। अब माई बेस्ट टीचर में क्या हो सकता है, माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड्स, माई बेस्ट बुक, माई बेस्ट कुछ भी होता है, माई बेस्ट, तो माई बेस्ट, माई फेवरेट, इन दोनों पर चाहे जो भी हो जो आप बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में हमने दो को ले लिया है। उसके बाद है इलेक्शन ऑफ इंडिया, इलेक्शन ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एसे एंड आर्टिकल राइटिंग। तो इलेक्शन ऑफ इंडिया, आपको इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन का रूल कैसे लगा, इलेक्शन कैसे, कितनी वोटों के मतों पर कैसे क्या चीज़ें, सारे सिस्टम को आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी आप इलेक्शन ऑफ इंडिया को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है मोबाइल्स फोन्स, स्मार्टफोन्स ऑफ यूथ, मोबाइल फोन्स के बारे में, मोबाइल फोन्स, इसकी जगह पे कंप्यूटर आ सकता है, कंप्यूटर आपका आ सकता है, मोबाइल फोन्स आएगा, मोबाइल फोन्स के यूजेज, मोबाइल फोन्स के लाभ हानि और एडवांटेज, आपका जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है आपका, या उसका जो भी हेडिंग है सभी यूज कर लीजिएगा। साथ साथ आपका ये नहीं आता तो यहीं पर इसी का पार्ट है, स्मार्टफोन ऑफ यूथ, स्मार्टफोन फॉर यूथ है, मतलब यूथ के लिए स्मार्टफोन का क्या उपयोग है इसके बारे में आपका सकता है, मतलब मोबाइल फ़ोन के लिए। उसके बाद है साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, तो साइंस के बारे में आपका यानी साइंस से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसे आ सकता है, साइंस में बहुत बड़ा आपका पूछा जाता है, तो साइंस का कोई भी हो आपका निबंध तो वही होगा ना, तो आप वही निबंध लिखा जाएगा कि गुड सर्वेंट है कि आपको बैड मास्टर है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हमें लेना है अभिजीत, अभिजीत टू, अभिजीत टू यानी कि भ्रमण के लिए, कहाँ पर भ्रमण करें, एक हो सकता है कि आपका यहाँ पर सिनेमा, क्या है सिनेमा, दूसरा है एग्जीबिशन, सिनेमा एग्जीबिशन, जू, हिस्टोरिकल प्लेस, चार में से एक आप विजिट के बारे में याद कर लीजिए, जो हेडिंग एक में यूज होगी वही हेडिंग सभी में यूज होगी, उसी के थोड़ा सा उसका मैटर चेंज होगा बस, और कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो आपको एक विजिट पर याद कर लेना, चाहे सिनेमा एग्जीबिशन, जू या हिस्टोरिकल प्लेस कुछ भी। उसके बाद है प्लेस ऑफ वोमेन इन सोसाइटी, वोमेन का स्थान क्या है हमारे समाज में, वोमेन का स्थान क्या है, वोमेन को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको कैसे क्या स्थान दिया जा रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में कैसे है, तो प्लेस ऑफ वोमेन का आपको याद करना नहीं, यानी औरत का, ठीक है, स्त्रियों का स्थान। तो यहाँ पर ये अगला निबंध है द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइस, द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइस, मतलब जो पैसे की जो बढ़ोतरी हो रही है जिसको कहते हैं कीमत दर में वृद्धि, यानी महंगाई पर, महंगाई पर आप एक निबंध याद कर लीजिएगा एक बढ़िया से, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने छोटे छोटे निबंध लिए पर वेरी इंपॉर्टेंट हैं चारों, ठीक है। टेररिज्म, टेररिज्म आपका आतंकवाद के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद है पॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी, देखिए ये मैंने पॉल्यूशन लिखा है तो एकदम सेम इसी तरीके से आती है, नहीं एक इसी तरीके से कोई घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, तो पॉल्यूशन प्रॉब्लम ये हो सकता है निबंध। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार पर, और टेलीविजन, ये फोर तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोर तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं मोबाइल फोन्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका साइंस भी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद प्लेस ऑफ सोसाइटी वोमेन का ये इंपॉर्टेंट है, और महंगाई, ये हो गया चार, और ये इसमें टेलीविजन छोड़ दीजिए, तीन चार, तीन सात निबंध हम ले रहे हैं, बाकी 12 निबंध, तो 6-7 निबंध में आपको एक इंपॉर्टेंट आना है, बाकी इतने में तो आपको जरूर आएगा, 100% आएगा इतने में आप, एक बार कुछ आपको ये याद करने को हम नहीं देने हैं, बस आप इसको एक बार देखिएगा इसमें से आपकी हेडिंग को कैसे कैसे लिखी जाती है, क्या क्या हेडिंगे हैं। तो देखिए पहली हेडिंग आपका क्या होगा, पहली हेडिंग आपको हिंट लिखना है, क्या लिखना है, हिंट्स, हिंट्स में कौन कौन हेडिंग लिखते हैं, पहले देखिए हिंट्स में हमें वो हेडिंग लिखना है जो पूरे निबंध में, पूरे आर्टिकल राइटिंग में हम जो यूज करेंगे हेडिंगों का, उन हेडिंगों को यहाँ बारी बारी से एक एक दो दो तीन चार चार ऐसे ऐसे करके लिख देना है। यानी पहली हेडिंग तो हम यूज करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन, 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 ये पहली हेडिंग होगी। उसके बाद आपको लिख जो भी होगी हेडिंग, मान लीजिए आपका क्या, आपका विकास पर निर्भर है, डेवलप ऑफ सोसाइटी, या डेवलपिंग क्वालिटीज, कुछ भी जो भी हेडिंग है बीच में यूज कर दे, लास्ट में एक हेडिंग आपकी ज़रूर रहेगी, सभी में वो हेडिंग होगी आपका कंक्लूजन, क्या, कंक्लूजन, ये दो हेडिंग हमेशा होगी। तो हिंट्स में क्या लिखा जाएगा, सभी हेडिंगों, जितनी भी हेडिंग हमें लिखेंगे पूरे निबंध, सभी हेडिंगों का समूह यहाँ पर हिंट्स में लिखा जाएगा, और फिर एक एक हेडिंग को हम क्रम से लिखते हुए सभी का डिटेल थोड़ा थोड़ा दे देंगे। तो इसी तरीके से आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, और इन आर्टिकल राइटिंग पर आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं, व्यूज़ करते हैं, पर लाइक नहीं करते हैं, और व्यूज़ करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, और कुछ भी नहीं करते तो कमेंट भद्दा बुरा तो जरूर कर देना चाहिए, लेकिन भद्दा बुरा भी कोई कमेंट नहीं करता है। तो ये बात आपको नोट कर लेना है, कुछ ना कुछ जरूर करिए, जिससे कि हमें कुछ ना कुछ अपने वीडियो में सुधार करने का मौका मिले। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, आगे के लिए मैं अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी इंग्लिश की मैं पिछले वीडियो में प्रश्न को क्या लिखें, कि ना लिखें, छोड़ दें क्या, छोड़ दें, प्रश्न नहीं आ रहा है बनाने तो कैसे उसको हम बनाएं, कैसे उसका उत्तर दें, जो आपका थे रीडिंग से रिलेटेड है, इसके ये ग्रामर से रिलेटेड है, इसके बाद ग्रामर का और भी जो भी पार्ट है मैं लेकर आऊँगा, जैसे ट्रांसलेशन करना उसको भी लेकर आऊँगा, तो बस हमारे चैनल पर जुड़ जाना है, बाकी आपको देंगे। तो आप परीक्षा देते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, आपका गुड लक हो, अच्छे लगे, अच्छी तरीके से मैं कामना करता हूँ, या विशेष करता हूँ कि आप पास होंगे, चाहे कुछ भी नहीं पढ़ूंगा मैं पास होंगे, मैं विशेष करूँगा, ओके पास होंगे 100%, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके चलते हैं नेक्स्ट।